नाम शशांक दवे है और मेरा हैंडीक्राफ्ट का व्यवसाय है और इस बार के बजट से हमें उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में कुछ परिवर्तन होना चाहिए और व्यापारियों के लिए भी कुछ छूट विशेष होनी चाहिए। हैंडीक्राफ्ट का जैसा मेरा व्यवसाय है तो हैंडीक्राफ्ट के आइटम पे भी कुछ विशेष उनको करना चाहिए और बाकी तो जो वो करेंगे वो ठीक ही करेंगे। अतुल कुमार पांडे एडवोकेट, मुझे इस साल के बजट में अभी काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि पिछले साल के बजटों में जो है टैक्स स्लैब में कोई अंतर आया नहीं है और इस बार उम्मीद है कि 5 लाख तक जो है इसको कर मुक्त किया जाए और GST के बारे में भी अभी काफ़ी उम्मीदें हैं कि काफ़ी छूट और काफ़ी चीज़ें जो इसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं उस पर भी ये GST में इसमें भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि इससे व्यापारी को काफ़ी राहत मिले और सभी लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि 2019 का चुनाव भी है तो इसलिए काफ़ी उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है हम लोग को काफ़ी राहत मिलेगा। इसी आशा के साथ हम लोग 1 फरवरी का बजट को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इनकम टैक्स के जहाँ तक सवाल है वो मेल के लिए 3 लाख रुपये कम, 3.5 लाख रुपये कम से कम होना चाहिए छूट, उसके ऊपर वो इनकम टैक्स लगाएं और फीमेल के लिए 4 लाख के लिए छूट होनी चाहिए, उसके ऊपर वो टैक्स लगा, ये छूट की बात आ गई। बस ये तो यहाँ है भी रजिस्ट्रेशन उसका तत्काल होना चाहिए, लोकल बेसिस पर लोकल ऑफिस में हो जाना चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए ऑफिस की। आने वाले बजट में वित्त मंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि वो छोटे व्यापारी और मध्यम वर्गीय व्यापारियों को विशेष ध्यान दें उस पर और उनको छूट का लाभ पहुँचाएँ। वित्त मंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि हम जो मझोले किस्म के व्यापारी हैं जिनकी आमदनी सीमित है उनसे हमारा यह निवेदन है कि उनके लिए वो हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं परंतु वो सरलीकरण करें और हमें इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाएं, न कि और टिपिकल करके हमें और उसमें उलझा के हमारे खर्चों को और बढ़ा दें। इस बजट में हम वित्त मंत्री महोदय से यही हम अनुरोध करना चाहेंगे कि व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए उन जो नियम है उसको सरलीकरण करें और जो खर्चे जो उनके जिससे उनकी जो आमदनी में जो है वृद्धि न बल्कि हो वृद्धि हो और उनके खर्चे अनायास के फालतू के न बढ़े जिससे वो परेशान हो, अगर ऐसा करेंगे तो व्यापारी बंधु उनसे खुश होंगे। ईवे बिल जो लागू कर रहे हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित व्यापारी ही होंगे क्योंकि जो समय की अवधि वो दे रहे हैं वो समय अवधि में कभी भी न तो आपकी सड़कें उस लायक हैं न तो संसाधन उस लायक है कि समय पर वो वस्तु उस व्यापारी तक पहुंच जाए, पता चला व्यापारी माल बेचने के अपेक्षा वो कागज़ में ही उलझा रह जाएगा। थर्ड के स्टूडेंट है और हम बजट के इसमें जो आज सरकार इसके समय बजट बनाना चाह रही है उसमें हम कहना चाह रहे हैं कि अगर सरकार को बजट बनाना है तो वो अपने मतलब बजट बनाते समय आम जनता के चीज़ों और उनके नॉर्मल लग्जरी और इम्पोर्टेंस को लग्जरी और मेन इम्पोर्टेंस जो उनकी कॉमन इम्पोर्टेंट चीज़ें उन पर सब पे ध्यान रखकर उन पे उसको बजट पेश करना चाहिए कि आम जनता परेशान ना हो। वो बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे जैसे व्हीकल्स हैं और मशीन्स हैं और रेफ्रिजरेटर TV ये सबसे ज़्यादा कम और ज़्यादा करके इन सबको छोड़कर उसको छोटी छोटी चीज़ें जैसे जिसे आम जनता जिसको रोज़ यूज़ करती है उस पर ध्यान देना चाहिए और सबसे बड़ी बात वो GST जो है जिससे अभी भी कई ऐसे व्यापारियों को और ये सब पे बिजनेसमैन को काफ़ी इससे दिक्कत होती है तो इस तरीके का बजट बनाए कि आम जनता भी सही से अपना डील कर सके उस बजट को और ऐसे बिजनेस में। अग्रसेन कन्या PG कॉलेज बुलानाला तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ और मैं आगामी बजट सत्र में जो प्रावधान लाए जा रहे हैं जो सुविधाएं लाई जा रही है उसमें मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा
मूलभूत मानवीय सुविधाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और जितने भी संसाधन है जितने युवा वर्ग को अभी वो ये तो देखा जा रहा है कि वो युवा वर्ग है उनको ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन मिलने चाहिए, उनको स्मार्ट बनाया जा रहा है, कंप्यूटर की सुविधा स्मार्टफोन की सुविधा दी जा रही है, टैबलेट उन्हें दिए जा रहे हैं, उन्हें लैपटॉप के जरिए मेधावी छात्राओं को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन उसकी शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो मैं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा यह चाहूंगी कि वो लोग ऐसा बजट लाएं जो मानवीय संसाधनों पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सके और युवा वर्ग की साक्षरता पर अधिक खर्च करें, उन्हें अवेयर करें कि कैसे वो उसका प्रयोग करें स्मार्टफोन का और कंप्यूटर का। तो बस मैं यही चाहूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय सुविधाओं पर, मूलभूत मानवीय संसाधनों पर खर्च करें। मैं अंशिका अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और केवल धाम में रहती हूँ। जैसे हम सबको पता है कि हमारे वित्त मंत्री बहुत जल्दी बजट पेश करने वाले हैं, तो हम महिलाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं के जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उन पर कम ब्याज दर लगे ताकि महिलाएँ बहुत से ज़्यादा सेविंग कर सकें और अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से चला सकें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, कोई भी महिला हो, घर में रहती हो या बाहर काम करती हो, उसका काफ़ी समय रसोई में बीतता है। तो रसोई की जितनी भी अप्लायंसेज होती, होम अप्लायंसेज हैं, जैसे गैस स्टोव हो गया, सैंडविच मेकर हो गया, मिक्सीज हो गई, उन सब पे बहुत कम ड्यूटी लगनी चाहिए ताकि वो हम लोग को कम रेट्स में अवेलेबल हो सकें और बहुत सारी महिलाएँ नए नए तकनीक का उपयोग कर सकें। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगी, आजकल महिलाएं कहीं भी मुश्किलों से पीछे नहीं है और हर महिला चाहती है कि अपना खुद का व्यवसाय कर सके, या वो घर पे हो या वो बाहर हो। तो उसको बढ़ावा देने के लिए बैंक को कम से कम रेट्स में और बहुत आसानी दस्तावेज पेपर वगैरह लगा के, डॉक्यूमेंट्स लगा के, वो रेट्स इंटरेस्ट रेट्स पे वो लोन्स मिलने चाहिए। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि विधवा पेंशन योजना जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से और बढ़ावा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि जो महिलाएं इसका लाभ नहीं उठा पाती हैं, पेंशन नहीं मिल पाता है, उनको आसानी से अपना जीवन पर्यांत करने के लिए वो धनराशि सरकार से मिल सके। धन्यवाद।